तो मैंने 2020 के अंदर स्क्रैच से एक D2C ब्रांड की शुरुआत की थी और हम लोगों ने 0 रुपीज से लेके 20 करोड़ का टर्नओवर किया था, वो भी सिर्फ एक साल के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि कैसे आप अपना एक खुद का D2C ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं 2022 में। वेल, अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो मेरा नाम है नवदीप, मैं बनाता हूँ इस चैनल के ऊपर बिजनेस और स्टार्टअप से रिलेटेड वीडियोज। तो अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बनता है, बिकॉज मैं बनाने वाला हूँ आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले टाइम में, तो सब्सक्राइब करो, बिकॉज 80% लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, ऐसे कैसे चलेगा। तो मैंने इस वीडियो को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि D2C ब्रांड क्या होता है, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि आप अपनी D2C ब्रांड के लिए प्रोडक्ट कैसे सेलेक्ट करेंगे, कि आप मेरे को कौन से प्रोडक्ट बेचने हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर ताकि मैं थोड़ा रेवेन्यू जनरेट कर सकूं। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि आपको प्रोडक्ट बनवाने कहाँ से, क्योंकि अगर आपको प्रोडक्ट बेचने हैं तो प्रोडक्ट बनवाने भी पड़ेंगे। एंड फाइनली हम लोग समझेंगे कि आप इन प्रोडक्ट को कैसे बेचने वाले हैं ऑनलाइन। सबसे पहले समझ लेते हैं D2C ब्रांड होता क्या है। D2C का मतलब होता है डायरेक्ट टू कस्टमर और कंज्यूमर। इसका मतलब कि आप डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट एंड कंज्यूमर को बेचते हैं विदाउट एनी इंटरमीडिएट। जैसे कि अगर आप नॉर्मल FMCG कंपनीज की तरफ देखेंगे, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC या फिर PNG, ये सभी कंपनीज के इंटरमीडियरीज होते हैं बीच में। तो ये जो सभी कंपनीज होती हैं, इनके प्रोडक्ट बनते हैं मैन्युफैक्चरर के पास, मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट जाते हैं होलसेलर के पास, होलसेलर से प्रोडक्ट जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के पास, और फाइनली एंड रिटेलर के पास। और एंड रिटेलर से हम सामान खरीदते हैं। तो अगर आपके आसपास कोई ग्रोसरी स्टोर है या फिर अगर आपके आसपास कोई सुपरमार्केट या फिर परचून की दुकान है, वो सभी रिटेलर हैं जहां से हम लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं। नाउ D2C ब्रांड थोड़ी डिफरेंट है, वो इन सभी इंटरमीडियरीज को हटा देती है। जैसे कि अगर आप लोगों ने कभी भी Amazon से कोई प्रोडक्ट खरीदा हो या फिर किसी वेबसाइट से कोई प्रोडक्ट खरीदा हो, जैसे कि वाव लाइफ साइंस, मामा अर्थ, बोट, ये सभी D2C ब्रांड है। तो D2C ब्रांड अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचती हैं, जैसे कि Amazon, Flipkart या खुद की वेबसाइट, और ये कंपनीज थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक की हेल्प से अपने प्रोडक्ट को शिप करती हैं, जैसे कि डिलीवरी, ईकॉम एक्सप्रेस, ब्लू डर्ट, इन सभी लॉजिस्टिक पार्टनर की हेल्प से ये कंपनीज या फिर ये स्टार्टअप अपने प्रोडक्ट डायरेक्टली अपने एंड कंज्यूमर को भेजते हैं और सारे इंटरमीडियरीज हट जाते हैं बीच से। नाउ आई नो आप में से भी काफी लोग बियर्डो, उस्त्रा, वाव लाइफ साइंस या फिर मामा अर्थ जैसी D2C ब्रांड शुरू करना चाहते होंगे। तो एक सवाल सबके दिमाग में आता है कि कौन सा प्रोडक्ट बेचें, ये कैसे डिसाइड करेंगे नवनीत? पहले डिसाइड करना काफी सिंपल है, आपको एक स्पेसिफिक नीच चूज करना है या फिर एक ऐसी सेगमेंट चूज करनी है जो आपके इंटरेस्ट के अंदर हो या फिर आपके डोमेन के अंदर हो। जैसे कि आप में से काफी सारे लोगों को फैशन में इंटरेस्ट होगा, कुछ लोगों को शायद ब्यूटी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट होगा, और कुछ लोग शायद गैजेट के अंदर भी इंटरेस्टेड होंगे। तो आपका डोमेन क्या है, उस डोमेन के अंदर आपका इंटरेस्ट है या नहीं। अगर आपका उस डोमेन में इंटरेस्ट होगा तो आप उस D2C ब्रांड को काफी तेजी से एक्सपेंड कर पाएंगे। जैसे कि अगर आपका डिजाइन या फिर फैशन में इंटरेस्ट है तो आप सॉक्सो जैसी ब्रांड शुरू करते हैं जो कि सिर्फ सॉक्स बेचती है, तो डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन के सॉक्स, या फिर बमर जैसी ब्रांड शुरू कर सकते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट इनरवेयर बेचती हैं अलग अलग डिजाइन में। इनफैक्ट बमर तो शायद शार्क टैंक के अंदर भी आई थी। उसके अलावा आयुर्वेदिक सप्लीमेंट में इंटरेस्ट है तो ओजीवा, नॉर्मल सप्लीमेंट भी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स बेचती हैं, या फिर अगर आपका इंटरेस्ट आयुर्वेदिक ब्यूटी प्रोडक्ट में है तो काफी सारी ब्रांड है, मामा अर्थ, पाव लाइफ साइंस और भी काफी सारी ब्रांड है। तो आपको अपना एक डोमेन या फिर सेगमेंट चूज करना पड़ेगा जिसमें आपका पर्सनली इंटरेस्ट है काफी ज्यादा, बिकॉज तभी आप उस डोमेन को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। जैसे कि UK और US के अंदर जिम शार्क नाम से एक ब्रांड है जिसकी वैल्यूएशन 3 से 4 बिलियन डॉलर के आसपास है, और वो सिर्फ और सिर्फ टी शर्ट, हुडीज और ट्रैक पैंट बेचते हैं सिर्फ उन लोगों के लिए जो वर्कआउट करते हैं। तो आपको एक बहुत ही छोटी सेगमेंट चूज करनी पड़ेगी जो फ्यूचर में एक्सपेंड होने वाली है। जैसे कि आप नॉर्मल क्लोथ्स बेचने की बजाय शायद जो लोग वर्कआउट करते हैं, फिटनेस एंथुजियास्ट हैं, उन लोगों के लिए आप कपड़े बेच सकते हैं, तो दैट्स अ गुड सेगमेंट। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगा कभी भी आप ब्रॉड सेगमेंट को चूज ना करें। जैसे कि आयुर्वेदिक जो सेगमेंट है ब्यूटी प्रोडक्ट के अंदर, उसके अंदर काफी सारी ब्रांड्स ऑलरेडी आ चुकी हैं, तो वहां पर कॉम्पिटिशन बढ़ गया है। तो जैसे वाव लाइफ साइंस, मामा अर्थ, ये सभी ब्रांड जेंडर न्यूट्रल प्रोडक्ट बेचती हैं और वहां पर ऑलरेडी काफी कॉम्पिटिशन है। तो आप हमेशा एक स्पेसिफिक सेगमेंट को या फिर नीच को टारगेट करें। जैसे कि मेन वेलनेस या फिर मेन ब्यूटी प्रोडक्ट के अंदर भी काफी सारी ब्रांड है, जैसे कि आपका मैन मैटर्स, GHC जो कि हम लोगों ने शुरू की थी, बोल्ड केयर, बॉम्बे शेविंग कंपनी, बियर्डो, उस तरह और भी काफी सारी ब्रांड हैं जो सिर्फ और सिर्फ मेन वेलनेस या फिर मेन ग्रूमिंग या फिर मेन हेल्थ केयर के अंदर आती हैं, और शायद वुमेन के अंदर तो काउंटलेस ब्रांड होंगी, बिकॉज
जो वुमेन का जो एक्सपेंडिचर होता है ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए या फिर वेलनेस के लिए, वो मेन के कंपैरिजन में लगभग 2 से 3 गुना ज्यादा होता है। तो मैंने तो कभी खरीदे नहीं है प्रोडक्ट, बट आई एम श्योर कि शायद बहुत सारे ब्रांड होंगे। एनीवेज, अभी सवाल आता है कि बॉस प्रोडक्ट तो चूज कर लिए कि कौन सा प्रोडक्ट बेचना है, अभी हम लोग ये कैसे सेलेक्ट करेंगे कि प्रोडक्ट को बनवाना कहाँ से, बिकॉज बहुत सारे मैन्युफैक्चरर हैं। वेल, अगर आपको नहीं पता तो जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स होती हैं जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC या PNG, ये सभी ब्रांड अपने जो प्रोडक्ट हैं वो खुद बनाती हैं। इसके अलावा जो भी ब्रांड हैं, चाहे वो बियर्डो हो, उस्तरा हो, बॉम्बे शेविंग हो या फिर मामा अर्थ हो, वाव लाइफ साइंस हो, ये सभी D2C ब्रांड अपने प्रोडक्ट किसी वाइट लेबल या फिर थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर से बनवाते हैं। जैसे कि गुजरात के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है जो सिर्फ और सिर्फ स्किन केयर प्रोडक्ट बनाता है, और उसके वहां से सारी D2C ब्रांड अपने प्रोडक्ट बनवाती हैं और उसके ऊपर सिर्फ एक अपनी ब्रांड का लेबल लगाती हैं। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग या फिर वाइट लेबल मैन्युफैक्चरिंग। जैसे कि वो लोग वाव लाइफ साइंस के लिए, मामा अर्थ के लिए, बियर्डो के लिए, उस्तरा के लिए, सब लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ स्किन केयर प्रोडक्ट ही बनाते हैं। तो वो सभी ब्रांड आती हैं, बोलती हैं कि मुझे इस फॉर्मूला का, इस इंग्रेडिएंट का, इस फ्रेग्रेंस के साथ ये प्रोडक्ट चाहिए, और इसके ऊपर ये लो मेरा डिज़ाइन, और मुझे 20,000 क्वांटिटी चाहिए, और वो ब्रांड्स बना के दे देती हैं। नाउ यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें समझनी है। सबसे पहली बात आ जाती है MOQ की, जिसको बोलते हैं मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। नाउ अगर आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर के पास या फिर वाइट लेबल मैन्युफैक्चरर के पास जाएंगे तो आपको बोलेगा कि बॉस 100-200 प्रोडक्ट में बनाने से रहा, बिकॉज मेरी पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चल रहा है, तो आपको मेरे को 5,000 या फिर 10,000 क्वांटिटीज का ऑर्डर देना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं MOQ, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। तो अगर आप उनको एक उनका डिजायर्ड MOQ का ऑर्डर देते हैं तो आपके लिए प्रोडक्ट को बना सकते हैं। जैसे कि जिस टाइम पे मैं GHC में काम कर रहा था, उस टाइम मैंने 12 से 13 अलग अलग प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स, वो कहाँ से बनवाने हैं, उनका प्राइस कितना है, उन सब का जो पूरा कैटलॉग था वो मैंने पर्सनली तैयार किया था। तो उस टाइम हमारे पास थे मल्टीविटामिन, ओमेगा 3, प्रोबायोटिक, जॉइंट सपोर्ट, और भी काफ़ी सारे ऑप्शन थे प्रोडक्ट्स के जिनको हम ऑनलाइन बेचने का प्लान कर रहे थे उस टाइम पे। यहाँ पर एक चीज़ जो नोट करने वाली है वो है प्रोडक्ट का डिज़ाइन और उसका लेबल। तो हम लोगों ने काफ़ी इंटरेस्टिंग लेबल भी डिज़ाइन किए थे, जो आउटर जो कार्डबोर्ड होता है उसकी हम लोगों ने पैकेजिंग भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाई थी। तो वो सभी चीज़ें भी कंज्यूमर के लिए काफ़ी मायने रखती हैं। हम लोगों ने इसके अंदर शेड पेपर डाले थे और काफ़ी सारी चीज़ें की थी। तो ये तो हो गया मैन्युफैक्चरिंग के बारे में कि प्रोडक्ट कहाँ से मैन्युफैक्चर कराना है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अभी सवाल आएगा कि बॉस प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर तो हो गया, आप लोगों ने हमारे 20-30 लाख के आसपास इन्वेस्टमेंट करवा दी, अभी इन प्रोडक्ट को बेचना कहाँ पे है, क्योंकि कस्टमर तो ढूंढना पड़ेगा। वेल, इन प्रोडक्ट को बेचने के 2 ब्रॉड प्लेटफॉर्म हैं। सबसे पहले तो आप इन प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट के ऊपर बेच सकते हैं। वेल, आपको वेबसाइट बनाने के लिए आप किसी भी प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं, Shopify का यूज़ कर सकते हैं, WordPress और WooCommerce का यूज़ कर सकते हैं, Magento का यूज़ कर सकते हैं, Squarespace या फिर Wix का यूज़ कर सकते हैं। ये सारे ऑनलाइन वेबसाइट बिल्डर या फिर अपना e-commerce प्लेटफॉर्म बिल्डर आपको लगभग 1 से 2 हज़ार रुपये पर मंथ के हिसाब से मिल जाएंगे, और आप सिर्फ 1 या 2 दिन में ही अपना e-commerce स्टोर बिल्ड कर सकते हैं Shopify, WooCommerce या फिर Magento की हेल्प से, जिसके अंदर मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप Shopify ही यूज़ करें। Shopify सीखने में बहुत आसान है, एकदम सस्ता $30 का प्लान है, और कोई भी अपना एक e-commerce स्टोर बना सकता है सिर्फ 2 से 3 घंटे के अंदर। Shopify इज़ वेरी इजी, इट्स कन्वीनियंट, एंड मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ। WordPress, WooCommerce थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बिकॉज अगर आपको कस्टमाइजेशन करनी है तो आपको थोड़ा सा PHP के अंदर खेलना पड़ सकता है। इन सब से थोड़ा बाहर निकलते हैं, आप अपने प्रोडक्ट को Amazon और Flipkart के ऊपर भी बेच सकते हैं। तो अगर आपको अपने प्रोडक्ट Amazon के ऊपर लिस्ट करने हैं तो आपको सिंपली उनका जो सेलर प्रोग्राम होता है उसके ऊपर रजिस्टर करना है। सेम गोज विद Flipkart, वो आपके कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट मांगेंगे, जैसे आपका GST, आपका ब्रांड का नाम, आपका ट्रेडमार्क और भी कुछ थोड़ी बहुत डिटेल। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आप अपने प्रोडक्ट को Amazon के ऊपर लिस्ट कर सकते हैं। नाउ Amazon पर लिस्ट करना तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट सबसे बड़ी समस्या आती है कि Amazon के ऊपर प्रोडक्ट लिस्ट करने के बाद बेचना, इनफैक्ट अपनी वेबसाइट पे प्रोडक्ट लिस्ट करने के बाद बेचना। और इसी वजह से आता है हमारे पास 4th पॉइंट कि ये तो पता चल गया कि कहाँ बेचना है, अब कैसे बेचना है ये भी बता दो। वेल, हाउ टू सेल में 2-3 तरीके आ जाते हैं। सबसे पहला आता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। मानो चाहे नहीं मानो, हम लोग जितने भी प्रोडक्ट आज के टाइम पर खरीदते हैं उस पर सबकॉन्शियसली हमारे दिमाग के अंदर किसी ना किसी का इन्फ्लुएंस रहा है। जैसे कि अगर आप कोई भी एक सॉप खरीदते हैं या फिर डिटर्जेंट खरीदते हैं या फिर इवन फेस वॉश खरीदते हैं, उसके ऊपर आपके दिमाग के अंदर एक सबकॉन्शियस मैसेज फीड हो रखा है। या तो उस प्रोडक्ट के बारे में आपने कभी TV के ऊपर ऐड देखा होगा या फिर सोशल मीडिया के ऊपर ऐड देखा होगा। सडनली आप किसी भी रैंडम प्रोडक्ट को कभी नहीं खरीदते,
इसीलिए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग काफी अच्छा तरीका है डी टू सी ब्रांड के जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको ऑनलाइन बेचने का। अगर मैं इजी से एग्जांपल दूं तो आपने गौरव तनेजा, मुंबई कर निखिल, कैरी मिनाती, इन सभी इन्फ्लुएंसर को ऑनलाइन अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स स्पॉन्सर करते हुए सुना होगा या फिर यूज करते हुए सुना होगा कि चलो मसाज कर लेते हैं, जैसे दोस्त गाइस प्रमोट की, हे गाइस ये ऑयल यूज करो, ये फेस वॉश यूज करो, सो ऑन एंड सो ऑन। वो एक अच्छा एग्जाम्पल है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का। Now, आपको अपने डोमेन के हिसाब से, आपकी सेगमेंट या फिर नीश के हिसाब से ही इन्फ्लुएंसर चूज करना है। जैसे कि अगर आप ब्यूटी प्रोडक्ट बेच रहे हैं या फिर कोई मेकअप से रिलेटेड प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आपको फीमेल इन्फ्लुएंसर चूज करनी पड़ेगी जो सिर्फ मेकअप के ऊपर वीडियोस बनाती हैं या फिर कुछ ब्लॉगिंग करती हैं या फिर उस सेगमेंट में कंटेंट प्रोड्यूस करती हैं, क्योंकि उसकी जो सेगमेंट है वो उसी डोमेन के अंदर इंटरेस्ट भी रखती है। ऑन दी अदर साइड, अगर आपको कोई एक फिटनेस प्रोडक्ट बेचना है, कोई सप्लीमेंट बेचना है, तो आपको उस पर्सन को टारगेट करना पड़ेगा जो वर्कआउट करता हो, थोड़ा फिट हो, थोड़ा इंस्टाग्राम पर फिटनेस मोटिवेशन वर्कआउट की वीडियोस डालता हो। सो यू गॉट द पॉइंट, किन किन इन्फ्लुएंसर को आपको टारगेट करना है। ना इन्फ्लुएंसर के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि माइक्रो इन्फ्लुएंसर, मैक्रो इन्फ्लुएंसर, उनका बजट क्या है, ROI क्या है, ये सभी चीज़ें आपको टाइम के साथ थोड़ी फाइन ट्यून करनी पड़ सकती हैं। उसके अलावा Amazon, Flipkart के अलावा आप नाइका के ऊपर, मेन्स एक्सपी के ऊपर, बहुत सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैं, इन सब के ऊपर अपने प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। और शुरुआत में थोड़ी सेल्स आपके पास शायद नहीं आएगी, आपको इन प्रोडक्ट के ऊपर रेटिंग लानी पड़ेगी कि अभी इस प्रोडक्ट के ऊपर कोई रेटिंग नहीं है तो कोई नहीं खरीदता अपने प्रोडक्ट को। आपको उन प्रोडक्ट के ऊपर 50, 70, 100 के आसपास 5 स्टार या फिर 4 स्टार प्लस रेटिंग लाएंगे तो बाकी लोग जैसे ही उस प्रोडक्ट के बारे में सर्च करते हैं या फिर उस सेगमेंट को सर्च करते हैं तो आपका प्रोडक्ट उस सर्च रिजल्ट के अंदर ऊपर आना शुरू हो जाता है। वही तो चाहिए कि जब भी लोग किसी भी हेयर ऑयल या फिर किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड सर्च करें तो हमारा प्रोडक्ट ऊपर आए, दैट्स आवर मेन एम। और वो तभी होगा जब आपके प्रोडक्ट के ऊपर काफ़ी अच्छी रेटिंग होगी, और इसके लिए आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर रेटिंग भी बढ़ानी पड़ेगी इन सभी प्लेटफॉर्म के ऊपर। जैसे कि काफ़ी सारी ब्रांड टारगेट लेके चलती हैं कि हम लोगों को हर प्रोडक्ट के ऊपर 100+ 5 स्टार रेटिंग चाहिए और 4.3 के ऊपर ही हम लोग रेटिंग मेंटेन करके चलेंगे ओवरऑल, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिक सेल उन लोगों को लाकर देता है। उसके अलावा काफ़ी सारी कंटेंट मार्केटिंग की भी स्ट्रैटेजी होती हैं कि ये सभी जो ब्रांड होती हैं ये अपने इंस्टाग्राम पेज के ऊपर या फिर स्नैपचैट पेज के ऊपर या फिर फेसबुक के ऊपर कंटेंट प्रोड्यूस करती हैं कि रील्स बना दिया कि लेट्स से अगर आपके पिंपल हो रखे हैं तो 10 different ways by which you can get rid of these pimples. तो कैरोसल बनाती हैं different images के कि पिंपल क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कैसे क्योर करना है वगैरह वगैरह। ऐसे रील्स भी बनते हैं और काफ़ी सारा कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं ताकि जो ऑर्गेनिक रीच है वो पहुंच सके लोगों तक, बिकॉज ऑब्वियसली पेड मार्केटिंग करना सबके बस की बात नहीं है, प्लस में उसमें खर्चा भी काफ़ी होता है। आपको शायद 30, 40, 50 इवन मैंने काफ़ी ब्रांड्स के 1-1 करोड़ के कैंपेन्स भी रन किए हैं, तो आई नो पेड मार्केटिंग इज डिफिकल्ट। ऑर्गेनिक मार्केटिंग का अगर आप तरीका ढूंढ निकाल सकते हैं काफ़ी अच्छा, अगर आप वहाँ से कन्वर्जन रेट कर सकते हैं तो काफ़ी सही बात है। तीसरा तरीका आ जाता है वायरल कैंपेन का। आयुष्मान खुराना ने एक द मैन कंपनी नाम से ब्रांड के ऊपर एक छोटी सी वायरल वीडियो बनाई थी, मर्द क्या होता है, आई थिंक वो वीडियो काफ़ी वायरल गई थी। तो ऐसे भी कुछ वायरल कैंपेन आपको करनी पड़ सकती हैं। आई एम नॉट श्योर आप आयुष्मान खुराना को ले पाएंगे या नहीं, बट कुछ ऐसे सेलिब्रिटी के साथ आप कुछ इमोशनल कनेक्ट करके एक अच्छा वायरल कैंपेन भी बना सकते हैं। तो ये थी कुछ मार्केटिंग की टेक्निक, ट्रिक या फिर एडवाइस, कुछ भी समझिए आप, जिसकी हेल्प से आप अपने प्रोडक्ट को आम लोगों तक बेच सकते हैं। तो वेल, ये थी मेरी छोटी सी वीडियो डी टू सी ब्रांड के ऊपर, छोटी तो नहीं थी, काफ़ी बड़ी हो गई, बट एनीवेज इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने कवर किया कि डी टू सी ब्रांड क्या होता है, आपको उस डी टू सी ब्रांड के अंदर कैसे प्रोडक्ट सेलेक्ट करने हैं, कहां पर आप प्रोडक्ट को बेच सकते हैं और कैसे उन सभी प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। आई एम श्योर आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इसके अलावा मैंने डी टू सी ब्रांड के ऊपर और भी कुछ वीडियोज बनाई हुई हैं इस चैनल के ऊपर। सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज मैंने देखा है कि ऑलमोस्ट 80% लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ है, ऐसे कैसे काम चलेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन जो कि सब लोग बोलते हैं प्रेस करने के लिए, इफ़ यू कैन डू दैट दैट वुड बी ग्रेट। और उसके अलावा इस वीडियो के लिए ये काफ़ी है, मैं मिलूंगा आप लोगों से नई वीडियो के अंदर, तब तक अपना ध्यान रखो एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।